अभिनव हिंदी धोरण चार, हिंदी विषय धोरण चार। वर्णमाला स्वर, वर्णमाला एटले के अ से अह तक स्वर, हिंदी ना स्वर जोवाना छे आपणे। अहीं पढ़िए और समझिए। अ छे अजगर, अजगर एटले अजगर। आ से आम, आम एटले केरी। ई से इमारत, इमारत एटले इमारत। ई से ईख, ईख एटले शेरडी। ऊ से उल्लू, उल्लू एटले घुवड़। ऊ से ऊन, ऊन एटले ऊन। रू से ऋषि, ऋषि एटले ऋषि। ए से एड़ी एटले एड़ी। ए से एनक एटले चश्मा। ओ से ओखली एटले खांडणियो। ओ से औरत एटले स्त्री। अम से अंगूर एटले द्राक्ष। अह से नमः एटले नमः। अ आ ई ई ऊ ऊ ऋषि ए ए ओ ओ अ अह। पढ़िए और अनुरेखण कीजिए और लिखिए। आने वाँचवानु छे अने आ घूटवाना छे शब्दों ने, जे डॉट्स आपेला छे ए घूटवाना छे अने ए अक्षरो आपणे अहींया लखता शीखवानु छे। अ आ ई ई ऊ ऊ ऋ ए ए ओ ओ अम अह। स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक, गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाए, एटले के गुजराती अक्षर ने हिंदी अक्षर साथे आपणे जोड़वानो छे। तो आ छे अ, तो आपणे जोड़वानो छे हिंदी ना अ साथे, तो आपणे अहींया जोड़ीशू। ई, तो आपणे ई साथे अहींया जोड़ीशू। पछी ई, तो ई साथे आपणे अहींया जोड़ीशू। पछी छे ऊ, तो आपणे ऊ साथे जोड़ीशू। एवी ज रीतना जोड़कू नंबर बे आपेलू छे, तो आ छे ऊ, तो आपणे एने ऊ साथे जोड़ीशू। आ छे ए, तो આપણે એને એ સાથે જોડીશું। આ છે એ, તો આપણે એને એ સાથે જોડીશું। આ છે રુ, તો એને રુ સાથે જોડીશું। એવી જ રીતના પ્રશ્ન નંબર બે આપેલો છે। પ્રશ્ન નંબર બેમાં સ્વર હિન્દી મેં લખીએ, એટલે કે આ જે સ્વર આપેલા છે એને આપણે હિન્દીમાં લખતા શીખવાનું છે, એટલે કે ગુજરાતી સ્વર ઓળખી એનું હિન્દી સ્વર લખવાનો છે। તો આ છે અ, તો અહીંયા આપણે હિન્દીમાં લખીશું અ। અહીંયા છે આ, તો આપણે અહીંયા લખીશું આ। અહીંયા આપેલું છે ઈ, તો આપણે અહીંયા હિન્દીમાં લખીશું ઈ। એવી જ રીતના અહીંયા ઈ, એવી રીતના અહીંયા ઊ, અહીંયા પણ ઊ આપેલું છે। અહીંયા છે ઋષિ, અહીંયા આપેલું છે એ, અહીંયા આપેલું છે એ, પછી છે ઓ, પછી છે ઓ, અમ